चार साल से हम आते रहे हैं और ये जो एसोसिएशंस है ये सरकार के बीच में और कंज्यूमर के बीच में भी और किसान के बीच में भी एक जो है ये काम करती है ब्रिज का। और मुख्य रूप से इनका देखना का है कि कितना हमारा उत्पादन हो रहा है, जिससे जनरली हमारा जो है 40% हमारा अपना प्रोडक्शन है, 60% हम जो है इंपोर्ट करते हैं, फिर इसका इंपोर्ट ड्यूटी क्या कहते हैं कि क्या हो। तो अब पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो क्रूड ऑयल के ऊपर में जो है वो अभी जिस बार जो है हम लोगों ने 35 और 45 किया है। पहले 7.5 का अंतर होता था, इंडस्ट्रीज का डिमांड था कि नहीं जो है इसमें जो है और हम अपना आत्मस्वावलंबी हों और प्रोडक्शन बढ़े तो कम से कम 15 का अंतर होना चाहिए। तो 15 का अंतर तो चूंकि DOT जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके पॉलिसी के खिलाफ में है, मैक्सिमम जो है जितना हो सकता था तो हम लोगों ने जो है 10 का अंतर क्या कहते हैं कि जो है रखा। और पाम ऑयल पर जो है वो 44% जो है और 54% रिफाइंड पर रखा। उसके बाद जो है अभी जो हमारे पास में जो फिगर है वो जो कुल मिलाकर के जो है हमारे यहाँ जो खपत है वो 254 लाख टन का है और अभी तक जो है 208 लाख टन हो चुका है। और हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन जो है वो 101 लाख टन और 2016-17 में था और 104 लाख टन जो है 2017-18 में हुआ। और जो है 2017-18 में जो हमारा इम्पोर्ट हुआ वो 104 लाख टन हुआ। तो कुल मिलाकर के जो है हमारा मेन मकसद है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह कभी चीनी में आपने देखा कि हमारे यहाँ चीनी का एक समय में बहुत क्या कहते हैं कि चल रहा था स्कार्सिटी वगैरह, लेकिन आज चीनी का उत्पादन इतना हो गया है, इतना बढ़ गया कि अब इस साल का जो अनुमान है वो 350 लाख टन का चीनी का प्रोडक्शन का जो है 2018 में क्या कहते हैं अनुमान है, जबकि हमारा खर्चा जो है 250 लाख टन का जो है खपत है और जो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो अगले साल के अक्टूबर तक आते आते 165 लाख टन जो है बहुत ही एक्सेस है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो एक तो वो है, लेकिन प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो MSP है, तो हर चीज़ का हमने MSP बढ़ाने का काम